हेलो एवरीवन, वेलकम टू नामदेव एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो गाइज, आज के इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं 6 जुलाई 2020 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस को अपन गाइज कवर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो गाइज फटाफट जुड़ जाइएगा सेशन के साथ में, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। गाइज यहाँ पर आप लोगों को बहुत ही अच्छे से और बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ में करंट अफेयर्स आपको देखने को मिलेगी। तो गाइज डेली बेसिस के ऊपर रेगुलर आप करंट अफेयर्स पे रेस्पॉन्स दीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे से करंट अफेयर्स को डिज़ाइन करूँ, ताकि बहुत ज़्यादा आपके लिए एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिट हो। अपन क्वेश्चन भी इसी तरीके के लेंगे कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है गाइज। तो 6 जुलाई 2020 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन की बात करेंगे। तो गाइज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके गाइज, पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। गाइज आंसर दीजिएगा यदि साथ में आपको पता है तो। गाइज रूसी नागरिक संवैधानिक संशोधन द्वारा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कब तक सत्ता में बने रहने के लिए तैयार हैं। अब देखिए गाइज, यहाँ पे बात हो रही है रूस की। अब रशिया के राष्ट्रपति कौन है गाइज, एट प्रेजेंट बात करें, व्लादिमीर पुतिन एट प्रेजेंट रशिया के राष्ट्रपति हैं। गाइज उन्होंने एक संशोधन निकाला है, जनमत संग्रह किया है, और जनमत संग्रह के अंदर गाइज लोगों ने अप्रोक्सीमेट 76% लोगों ने वोटिंग की है कि मतलब राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति बने रहने चाहिए। उस संशोधन में 76% लोगों ने कहा है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल इतने टाइम तक बढ़ा देना चाहिए। तो गाइज यहाँ पे आपका राइट आंसर बन जाएगा 2036 गाइज आपका राइट आंसर बनेगा। अब देखिए गाइज इसके अंदर बात कैसी है, 2024 के अंदर देखिएगा, 2012 के अंदर राष्ट्रपति बनते हैं, और गाइज 2024 के अंदर उनका कार्यकाल समाप्त होता है। अब उनको 6-6 वर्ष का 2 टर्म्स दे दिया गया है, ध्यान में रखिएगा। वहाँ पे जो राष्ट्रपति का कार्यकाल है वो 6-6 वर्ष का है। 2024 के अंदर वो रिटायर होने वाले थे, लेकिन 6-6 वर्ष के 2 कार्यकाल और दे दिए, यानी 2036 को आप वो रिटायर होंगे। क्लियर है? तो 2036 आपको ध्यान में रखना है। जनमत संग्रह में 76% लोगों ने भाग लिया है, समर्थन में हिस्सा लिया था रूस की राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। ओके गाइज नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की तरफ। मुद्रा वहाँ की गाइज रूस की रुबेला है। स्ट्राइप्ड हेयर स्ट्रीक और एलुसिव प्रिंस किस प्राणी की हाल ही में खोजी गई नई प्रजाति है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है गाइज, ध्यान दीजिएगा। स्ट्राइप्ड हेयर स्ट्रीक और एलुसिव प्रिंस किस प्राणी की हाल ही में खोजी गई नई प्रजाति है। देखिएगा दोनों प्रजातियों का आप लोगों को नाम ध्यान में रखना है। एक तो है स्ट्राइप्ड हेयर स्ट्रीक और एक एलोसिव प्रिंस। गज यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा तितली की नई प्रजाति है। और गज भारत के अंदर ये कहाँ से मिली है आपकी, अरुणाचल प्रदेश के अंदर ये नई प्रजाति मिली है। दोनों प्रजातियों का नाम ध्यान में रखना है आपको, स्ट्राइप्ड हेयर स्ट्रिक और एलोसिव प्रिंस किसकी नई प्रजाति का, ये तितली की है। गज मैं एक टर्म्स लिख रहा हूँ यहाँ पे। गज आप करंट अफेयर्स देखते हो सकता है कि कॉपी पेन लेके बैठेगा, ताकि एक्स्ट्रा चीज़ें आप लिखते रहो। गज जो तितलियों का अध्ययन है वो कहलाता है आपका लेपिडोप्टेरिसिस कहलाता है तितलियों का अध्ययन, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना। और ये जो नई प्रजातियाँ मिली है ये कहाँ पे मिली है गाइज, अरुणाचल प्रदेश के अंदर मिली है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो गाइज अरुणाचल प्रदेश की राजधानी आपकी ईटानगर है, ध्यान में रखिएगा ईटानगर है। पेमा खांडू वहाँ पे मुख्यमंत्री है, और बी डी मिश्रा आपके वहाँ पे गाइज राज्यपाल है। ओके गाइज, राज्यसभा सीट 1 है, लोकसभा सीट 2 है, और वहाँ पे 60 है विधानसभा सीट, ध्यान में रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश में एक सेला नाम का दर्रा है, बहुत प्रसिद्ध है सेला नाम का दर्रा, और गोल्डन पेगोडा मंदिर कहाँ पे स्थित है गाइज, आपका अरुणाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। गोल्डन पेगोडा हो गया, सेला दर्रा वहाँ पे स्थित है। राज्यसभा सीट 1 है, लोकसभा सीट 2 है, और वहाँ पे 60 विधानसभा सीट है। बी डी मिश्रा आपके अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हो गए, और पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, ईटानगर वहाँ की राजधानी है। अब गाइज एक चीज़ और देखिएगा, सबसे पहले इस प्रजाति को कहाँ पे खोजा गया, स्ट्राइप्ड हेयर स्ट्रिक को सबसे पहले कहाँ पे खोजा गया, ये जापान के अंदर मिले थे। और एलुसिव प्रिंस आपकी सबसे पहले मिली थी गाइज वियतनाम के अंदर। वियतनाम की राजधानी की बात करें तो गाइज हनोई वियतनाम की राजधानी है, और वियतनाम की मुद्रा की बात करें तो गाइज डोंग वियतनाम की मुद्रा है। जापान की आप सभी को पता है टोक्यो वहाँ की राजधानी है, और येन वहाँ की मुद्रा है। ओके गाइज सब चीज़ें गाइज बार बार देखोगे अच्छे से याद होने लग जाएंगे। वीडियो को लाइक करते रहेगा, ताकि अपन इसी प्रकार से कवर करते रहे। अब भारत के अंदर टोटल तितली की प्रजाति कितनी हो चुकी है, भारत के अंदर टोटल तितली की प्रजाति हो चुकी है गाइज 1327। किस भारतीय अमेरिकी लेखक और ऑन्कोलॉजिस्ट को 2020 ग्रेट इमिग्रेंट्स सम्मान के रूप में नामित किया गया है। अब गाइज यहाँ पे नाम आया एक आपका इमिग्रेंट्स अपन हिंदी के अंदर बोलते हैं अप्रवासी भारतीय को, ठीक है अप्रवासी को बोलते हैं। तो 2020 ग्रेट इमिग्रेंट्स सम्मान के रूप में किसे नामित किया गया है, ठीक है गाइज,
भारतीय अमेरिकी लेखक और ऑन्कोलॉजिस्ट को 2020 ग्रेट इमिग्रेंट सम्मान के रूप में नामित किया गया है। गाइज आपका आंसर बन जाएगा यहाँ पे सिद्धार्थ मुखर्जी। अब गाइज एक तो सिद्धार्थ मुखर्जी नाम ध्यान में रखना है, एक राज चेट्टी, इन दोनों को ये पुरस्कार मिला संयुक्त रूप से। सिद्धार्थ मुखर्जी और राज चेट्टी दोनों गाइज भारतीय है, इंडियन भारतीय अमेरिकी है, दोनों भारतीय अमेरिकी है। एक तो हो गया आपके सिद्धार्थ मुखर्जी अमेरिकी लेखक है और राज चेट्टी आपके प्रोफेसर है गाइज, ठीक है। ये दो नाम आप लोगों को ध्यान में रखना है, सिद्धार्थ मुखर्जी और राज चेट्टी, इनको 2020 ग्रेट इमिग्रेंट सम्मान दिया गया है। ऑन्कोलॉजिस्ट किसके कहते हैं, किसे कहते हैं गाइज ऑन्कोलॉजिस्ट, टर्म्स आई है यहाँ पे ऑन्कोलॉजिस्ट। गाइज ऑन्कोलॉजी तो आप सभी को पता है, ऑन्कोलॉजी कहता है कैंसर का अध्ययन, कैंसर का अध्ययन किस में किया जाता है गाइज ऑन्कोलॉजी में, और जहाँ पे लॉजिस्ट लग जाता आगे, लॉजिस्ट लगे इसका मतलब अध्ययन करने वाला व्यक्ति, समझ गए। अगर लॉजिस्ट देखिएगा, लॉजी लगता है उसको अपन विज्ञान बोलते हैं, और यदि लॉजिस्ट लगता है गाइज उसको बोलते हैं अपन स्टडी करने वाला व्यक्ति, क्लियर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, यूके आईबीसी का मतलब गाइज यूके इंडिया बिजनेस कॉरपोरेशन, हिंदी में बोलेंगे इसको ब्रिटेन भारत व्यापार परिषद, यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल, या अपन कहें तो ब्रिटेन भारत व्यापार परिषद। और MIDC की बात करें तो महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो गाइज यूके आईबीसी और MIDC के बीच में एक समझौता हुआ है, आपको बताना है कि यूके आईबीसी का मुख्यालय कहाँ है। गाइज महाराष्ट्र के अंदर डेवलपमेंट करने के लिए एक संगठन बनाया गया, और उस जो है यूके आईबीसी, MIDC जिसको बोलते हैं, इन्होंने एक हस्ताक्षर की है, अपने को बताना है कि यूके आईबीसी का मुख्यालय कहाँ है। तो गाइज आपका आंसर बन जाएगा यहाँ पे लंदन के अंदर स्थित है। यूके की बात करें तो गाइज ब्रिटेन अपन बोलते हैं, और गाइज ये जो बनाया गया संस्था ये 1993 के अंदर इसकी स्थापना की गई, और स्पेशली इसका मकसद है महाराष्ट्र के अंदर डेवलपमेंट से संबंधित है। गाइज यूके की बात करें, आप सभी को पता है बोरिस जॉनसन यूके के PM है, ओके गाइज क्लियर है। पाउंड स्टर्लिंग गाइज वहाँ की मुद्रा है, पाउंड स्टर्लिंग मुद्रा है यूके की, और लंदन यूके की राजधानी होगी। एलिजाबेथ सेकेंड वहाँ पे महारानी है, बोरिस जॉनसन वहाँ के मुख्य प्राइम मिनिस्टर है, पाउंड स्टर्लिंग वहाँ की मुद्रा है, लंदन वहाँ की राजधानी होगी, क्लियर है। अब एक चीज़ और देख सकते हैं अपन यूके से संबंधित जो एग्जाम में पूछी जा सकती है, यूके का जो लोअर सदन होता है, जिस तरीके से अपना लोकसभा होता है, लोअर सदन को बोला जाता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स बोला जाता है लोअर सदन को, और का जो अपर सदन है जैसे अपने राज्यसभा है, राज्यसभा को बोला जाता है हाउस ऑफ कॉमन्स, क्लियर है। गाइज लिखते रहिएगा साथ साथ में, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स बोलते हैं गाइज लोकसभा को, वहाँ का लोअर सदन है, अपर सदन को बोलते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स, जैसे भारत के अंदर राज्यसभा है वैसे ही, ओके। तो यूके आईबीसी का मुख्यालय कहाँ हो गया आपका, लंदन के अंदर। एनएलसी बोले तो गाइज एनएलसी का मतलब है नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन, ओके, जिसका हेडक्वार्टर गाइज आपका तमिलनाडु के अंदर है, नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन। और कोल इंडिया का हेडक्वार्टर गाइज आपके कोलकाता के अंदर है। नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन और कोल इंडिया ने सोलर और थर्मल पावर एसेट्स के विकास के लिए किस इक्विटी अनुपात में जॉइंट वेंचर कंपनी बनाई है। गाइज उन्होंने एक जॉइंट वेंचर कंपनी बनाई है जिसका उद्देश्य है सोलर यानी सूर्य से मिलने वाली एनर्जी, और थर्मल यानी कोयला से मिलने वाली एनर्जी। तो सोलर और थर्मल पावर एसेट्स के विकास के लिए किस इक्विटी अनुपात में एक जॉइंट वेंचर कंपनी बनाई है। तो गाइज यहाँ पर आपका आंसर बन जाएगा 50-50 रेशियो, क्लियर है, 50-50 रेशियो, ओके गाइज। एनएलसी का मतलब नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन तमिलनाडु, जिसका हेडक्वार्टर है। कोल इंडिया की बात करें, हेडक्वार्टर आपका गाइज कोलकाता के अंदर पड़ता है गाइज, ओके गाइज। एनएलसी की स्थापना होती है 1956 में, एनएलसी की स्थापना होती है गाइज 1956 के अंदर, और जो कोल इंडिया है इसकी स्थापना होती है 1975 के अंदर, ओके गाइज। बढ़ते हैं आगे की तरफ, धर्मचक्र दिवस 2020 समारोह का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। गाइज धर्मचक्र परिवर्तन आप लोग अच्छे से जानते हो, धर्मचक्र परिवर्तन क्या होता है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था गाइज, सारनाथ के अंदर दिया था। सारनाथ कहाँ पे पड़ता है गाइज, उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है। सारनाथ के अंदर गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था जिसे धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। और गाइज ये आषाढ़ की पूर्णिमा को मनाया जाता है, आषाढ़ की पूर्णिमा, तो गाइज आषाढ़ की पूर्णिमा को अपन वो कहते हैं गुरु पूर्णिमा बोलते हैं, उसी को धर्मचक्र दिवस मनाया जाता है। तो गाइज धर्मचक्र 2020 हमेशा कब मनाया जाता है, आषाढ़ की पूर्णिमा को, ओके गाइज। धर्मचक्र दिवस 2020 समारोह का उद्घाटन राष्ट्रपति कार्यालय के अंदर किया जाता है, राष्ट्रपति भवन के अंदर मनाया जाता है, और इसका उद्घाटन किया गया श्री रामनाथ कोविंद जी के द्वारा, क्लियर है गाइज। हर चीज़ें लिखते रहिएगा, धर्मचक्र परिवर्तन गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था, सारनाथ के अंदर दिया था, सारनाथ उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है, अपने 5 शिष्यों को उपदेश दिया था, ओके गाइज।
अब गाइज यहाँ से अपन थोड़ी सी और चीज़ें देखें। तो गाइज ये बात हो गई, ये कौन कौन मनाएगा इसको, धर्मचक्र दिवस को कौन कौन मनाता है। वैसे वैसे अपन बात करें तो एक तो हो गया इंटरनेशनल बौद्ध काउंसिल, इंटरनेशनल बौद्ध काउंसिल साथ साथ में अपना संस्कृति मंत्रालय, ये दोनों इसका आयोजन करते हैं, राष्ट्रपति भवन के अंदर होता है। गाइज अपन बोलते हैं धर्मचक्र दिवस या बुद्ध पूर्णिमा अपन बोलते हैं, श्रीलंका के अंदर इसको किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आ गया कि श्रीलंका के अंदर इसको किस नाम से जाना जाता है धर्मचक्र दिवस को, बुद्ध पूर्णिमा को, ये आषाढ़ वाली बुद्ध पूर्णिमा है उसको श्रीलंका के अंदर किस नाम से जाना जाता है। तो गाइज इसको जाना जाता है एसाला पोया, एसाला पोया। ओके गाइज, और थाईलैंड के अंदर इसको किस नाम से जाना जाता है, गाइज थाईलैंड के अंदर इसको जाना जाता है अस्मा बुच्चा, अस्मा बुच्चा। ठीक है, तो हो सकता है कि श्रीलंका का आपसे पूछ लिया जाए। ओके गाइज, नेक्स्ट बढ़ते हैं टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, TOPS की फुल फॉर्म देख लीजिएगा। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम योजना का संबंध किस मंत्रालय से है, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम योजना का संबंध किस मंत्रालय से है। गाइज यहाँ पे आपका राइट आंसर बन जाएगा खेल मंत्रालय से, सिंपल से। खेल मंत्री की बात करें तो गाइज आपके किरण रिजिजू खेल मंत्री है। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम यानी ओलंपिक के अंदर पोडियम, पोडियम होता है पोडियम, आप समझ लो जहाँ पे मेडल दिया जाता है, तो टारगेट रखा गया है। गाइज 2028 का जो ओलंपिक हो रहा है उसके अंदर एक टारगेट है कि भारत टॉप 10 के अंदर रहे। टारगेट कितना है, टॉप 10 के अंदर रहे, मेडल सूची के अंदर भारत टॉप 10 के अंदर रहे 2028 तक। गाइज ओलंपिक की बात करें 2020 में, 2024 में, 2028 के अंदर। 2020 आपका गाइज टोक्यो जापान, 2024 की बात करें तो यह आपका पेरिस, और 2028 की बात करें तो आपका लॉस एंजल्स। तो ठीक है, भारत ने टारगेट रखा है कि 2028 वाला जो ओलंपिक है उसमें भारत टॉप 10 में आए। अब गाइस 2020 वाला टोक्यो तो आपका कैंसिल हो गया, कैंसिल नहीं हुआ पोस्टपोन हो गया, कैंसिल नहीं हुआ पोस्टपोन हो गया। 2020 में टोक्यो में होने वाला था COVID-19 की वजह से, अब ये होएगा आपका 2021 के अंदर। क्लियर है, 2020 या 21 आपका टोक्यो के अंदर है, 2024 ओलंपिक पेरिस के अंदर है, 2028 आपका लॉस एंजल्स के अंदर है। ओके गाइस, खेल मंत्री अपने किरण रिजिजू। पाकिस्तान की सेना में लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में पदोन्नत होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन गई है, पाकिस्तान की सेना में लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में पदोन्नत होने वाली पहली महिला अधिकारी, देखिएगा पहली महिला अधिकारी है तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो गाइस आंसर बन जाएगा आपका मेजर जनरल निगार जौहर, निगार जौहर, मेजर जनरल निगार जौहर, मेजर जनरल निगार जौहर, ध्यान में रखिएगा पहली महिला अधिकारी है लेफ्टिनेंट जनरल तक पहुँचने वाली। पाकिस्तान की बात करें तो गाइस वहाँ पर जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उनका नाम है जनरल बाजवा, बाजवा है वहाँ के आर्मी चीफ, जनरल बाजवा। ओके गाइज बात करें आरिफ आलवी है वहाँ के राष्ट्रपति, आरिफ आलवी, आरिफ आलवी है गाइज वहाँ के राष्ट्रपति। क्लियर है, प्राइम मिनिस्टर तो आप समझते हो, महमूद कुरैशी का पूछ सकते हैं, विदेश मंत्री है महमूद कुरैशी वहाँ के, विदेश मंत्री है गाइज कुरैशी। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC की बात हो रही है कि अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसे पदोन्नत किया गया है। गाइज ICC का अंतरिम अध्यक्ष, अभी अध्यक्ष बना नहीं है, कार्यकारी है, अंतरिम अध्यक्ष है ICC का कौन है गाइज, पहले अपने कौन थे, पहले अपने थे शशांक मनोहर, शशांक मनोहर, अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो अंतरिम अध्यक्ष कौन बन चुके हैं। तो गाइज आंसर बन जाएगा आपका इमरान ख्वाजा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ICC के जो अंतरिम अध्यक्ष है एट प्रेजेंट कौन है गाइज, इमरान ख्वाजा है। ICC की बात करें तो गाइज इसका पहले इसका नाम था, पहले इसका नाम था इंपीरियल, इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, पहले इसका नाम बना था गाइज, इसका तीन बार नाम चेंज हो चुका है, मैं तीनों लिख देता हूँ एक बार, पहले इसका नाम था गाइज इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। ओके गाइज बाद में इसका नाम बना इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, और लास्ट में इसका नाम बना इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, क्लियर है। ICC का और क्या पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट बनता है एक CEO बात करें तो गाइज इसका मनु सानी CEO है, मनु सानी हो गए। और इसका हेडक्वार्टर पूछ लिया आपसे तो आपको बताना है दुबई, दुबई कहाँ पड़ता है आपका, UAE। क्लियर है, ICC का हेडक्वार्टर हो गया आपका दुबई के अंदर। किसे भारतीय जनसंचार संसाधन, भारतीय जनसंचार संसाधन IIMC यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्ति दी गई है, IIMC के महानिदेशक कौन बनेगा। IIMC का मतलब है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, भारतीय जनसंचार संसाधन संस्थान। तो गाइज ये आंसर बन जाएगा आपका संजय द्विवेदी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर बनेगा गाइज, संजय द्विवेदी। ओके गाइज IIMC की बात करें तो गाइज स्थापना होती है 1965 के अंदर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन की स्थापना होती है 1965 के अंदर। इसके जो चेयरमैन हैं आपके हो गए श्री अजय मित्तल,
ध्यान में रखिएगा, चेयरमैन अजय मित्तल है और इसके जो डायरेक्टर हैं महानिदेशक है गज, वो है आपके संजय द्विवेदी। दोनों चीज़ें ध्यान में रखनी है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, चेयरमैन आपके श्री अजय मित्तल, डायरेक्टर हो गए गज संजय द्विवेदी। गज एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान में रखिएगा आपको, ठीक है। और मैं आप लोगों के लिए वही चीज़ें लेके आ रहा हूँ जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि कई शिफ्टों में पेपर होता है तो पहली शिफ्ट में चेयरमैन पूछ लेंगे, दूसरी शिफ्ट में डायरेक्टर पूछ लेंगे, तीसरी शिफ्ट में हेडक्वार्टर पूछ लेंगे, ठीक है। तो श्री अजय मित्तल हो गए आपके चेयरमैन मास कम्युनिकेशन के, संजय द्विवेदी होता है आपके डायरेक्टर और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। गाइज सीबीएफसी का मतलब होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन या केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड। केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड के सीईओ कौन है? केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड के सीईओ के रूप में किसने पदभार संभाला है? गाइज आंसर बन जाएगा रविंदर भाकर। सीबीएफसी का मतलब है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। गाइज कॉपी पेन लेके बैठिएगा ताकि आप लिखते रहो और बहुत ज़्यादा आपके फायदा होने वाला है, धीरे धीरे अपना हर पार्ट स्ट्रांग होता रहेगा। गाइज फॉर्मेशन होता है सीबीएफसी का 15 जनवरी 1951। फॉर्मेशन 15 जनवरी 1951। पर्पज इसका फिल्म सर्टिफिकेशन, ठीक है, फिल्म का प्रमाण पत्र देना कौन सी फिल्म सही है नहीं है क्या उसमें है। हेडक्वार्टर गाइज इसका मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है, मुंबई महाराष्ट्र हेडक्वार्टर है। और इसके जो लीडर है वो है प्रसून जोशी, लीडर प्रसून जोशी है और सीईओ इसके है रविंदर भाकर, ठीक है गाइज। डायरेक्टर प्रसून जोशी है और सीईओ इसके रविंदर भाकर। किस भारतीय क्रिकेटर को विजडन द्वारा भारत में 21वीं सदी का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना गया है? मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर किसे चुना गया गाइज दिए गए ऑप्शन में से? गाइज आंसर बन जाएगा आपका रविंदर जडेजा। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर विजडन द्वारा चुना गया रविंदर जडेजा, ऑप्शन ए। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? IOCL की बात हो रही है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया गाइज? गाइज आंसर बन जाएगा श्रीकांत माधव वेदे। श्रीकांत माधव वेदे आपका राइट आंसर बन जाएगा गाइज, ऑप्शन नंबर डी। IOCL की बात करें तो गाइज 30 जून 1959 को स्थापना होती है इसकी, 30 जून 1959 को। हेडक्वार्टर की बात करें तो गाइज न्यू दिल्ली है IOCL का। मुंबई के अंदर इसका रजिस्टर्ड ऑफिस है, IOCL का रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई के अंदर है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। एरिया कौन कौन से देशों के अंदर ये सर्विस देता है? श्रीलंका, मिडल ईस्ट और मॉरिशस के अंदर। और चेयरमैन है इसके श्रीकांत माधव वेदे, श्रीकांत माधव वेदे इसके चेयरमैन हो गए। ओके गाइज, तो गाइज ये था अपना 6 जुलाई 2020 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस। इसी तरीके से गाइज अब अच्छे से रेस्पॉन्स देते रहेगा ताकि आप लोगों के लिए मैं बहुत अच्छे से करंट अफेयर को डिजाइन करूँ ताकि ऑलराउंड आप यहीं पे बन सको। ओके गाइज, वीडियो की PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, नामदेव अकेडमी सर्च कीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप के अंदर जाके, या t.me नामदेव अकेडमी, ठीक है गाइज। ओके गाइज, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।